आर्यन खान, आर्यन खान। आज बॉलीवुड के किंग खान को उनके बेटे आर्यन खान की वजह से जाना जाने लगा है। है ना ये अजीब बात। शायद समय का चक्र इसी को कहा जाता है। कब किस पर ये चक्र भारी पड़ जाए ये कोई नहीं कह सकता। पिछले 3 अक्टूबर से मुंबई क्रूज ड्रग्स केस आज तक सुर्खियों में है। ऐसा कोई अखबार नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है, ना ही कोई ऐसा गली का चौराहा है जहां इस हाई प्रोफाइल केस की चर्चा ना हुई हो। इसका प्रमुख कारण यही है कि इस केस में बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब तक आर्यन खान केस की 2 बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन उनकी जमानत याचिका दोनों बार निचली अदालत ने खारिज कर दिया है। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें आज इस केस की सुनवाई पर होंगी। आखिर हो भी क्यों ना, भाई आर्यन खान बॉलीवुड के बादशाह खान के लखते जिगर जो ठहरे। सबके दिमाग में एक ही बात चल रही होगी कि क्या आर्यन खान को मुंबई हाई कोर्ट से जमानत मिलेगी या फिर आर्यन को अभी जेल की कुछ और रोटियां खानी पड़ेंगी। क्या आर्यन खान वापस मन्नत का रुख कर सकेंगे या फिर क्या उसे सजा होगी या नहीं। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। आज हमारी समीक्षा केवल इस पर आधारित नहीं होगी कि आर्यन खान को जमानत मिलेगी या नहीं, बल्कि इस पर भी आधारित होगी कि इस पूरे मामले में आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है या उसका सजीव अपहरण हुआ है। कहीं एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने आर्यन खान को गिरफ्तार करके फूस में आग लगाने का काम तो नहीं कर दिया है। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े पूरे मामले में अब फंसते नजर आ रहे हैं, बल्कि फंसते नजर क्या आ रहे हैं, फंस चुके हैं। इस केस में हर दिन एक नया मोड़ आता दिख रहा है, लेकिन इस बार प्रभाकर सायल नाम का जो जिन निकलकर सामने आया है, जिसने हलफनामा देकर सारी बातें साफ कर दी हैं। प्रभाकर सायल दरअसल अरुण गोसावी का बॉडीगार्ड है, जिसके बयान ने न सिर्फ एनसीबी की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, बल्कि एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को भी चपेटे में ले लिया है। दरअसल पूरे मामले में सूत्रों के हवाले से जो बातें अब तक निकलकर सामने आई हैं, उससे ये बात साफ होती दिख रही है कि आर्यन खान को गिरफ्तार करना एक सुनियोजित सजीव अपहरण का मामला था। अमूमन अपहरण सुनियोजित ही होता है, जिसे मौका देखकर अंजाम दिया जाता है। फिर अपहरणकर्ता एक फोन करता है और फिरौती की रकम मांगता है। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ कि आर्यन खान समेत 11 लोगों का अपहरण एनसीबी ने 2 पंच के सहारे किया। सब कुछ तय था, इसलिए रकम भी तय थी, 25 करोड़। इस रकम का बंटवारा कैसे होगा यह भी तय था। समीर वानखेड़े को सबसे ज्यादा 8 करोड़ मिलना था, बाकी की रकम बटनी थी। तो हुआ ना ये सजीव अपहरण। अब हम आपको एक और बात बताते हैं, वो ये है कि सूत्रों से ये पता चला है कि दरअसल आर्यन खान तो कोर्डिला क्रूज तक पहुंच ही नहीं पाए थे, उन्हें तो क्रूज तक पहुंचने से पहले ही हिरासत में ले लिया गया था। दिलचस्प बात तो ये है कि एनसीबी के साथ 2 शख्स किरण गोसावी की आर्यन खान के साथ ली गई सेल्फी, जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई। किरण गोसावी की गाड़ी में ही आर्यन को बैठाया जाना, और सबसे बड़ी बात, गाड़ी से उतारने के बाद घसीटते हुए किरण गोसावी का आर्यन को एनसीबी के ऑफिस ले जाना, साफ जाहिर करता है कि ये एक सुनियोजित सजीव अपहरण के सिवा और कुछ नहीं। क्योंकि अपहरण किया है तो सवाल उठना भी लाजिम है। सवाल ये है कि क्या एनसीबी के अधिकारियों से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं ये 2 पंच। अब आर्यन खान केस की कानूनी पहलू पर हम बात करते हैं। क्या कहता है कोर्ट ऑफ लॉ जमानत के बारे में? कहते हैं कि लॉ इज अ वर्ल्ड ऑफ गेम्स, यानी कानूनी लड़ाई जिरह के आधार पर होती है। आर्यन केस में भी यही हो रहा है। जिस तरह से सेशन कोर्ट 2 बार आर्यन बेल प्ली को रिजेक्ट कर चुकी है, कानून के जानकार आरिफ शीश महली बताते हैं कि ऐसा लगता है कि जज कोर्ट मैनुअल से या तो वाकिफ नहीं है या तो उन पर कोई राजनीतिक दबाव पड़ रहा है ताकि इस केस को जितना हो सके उतना लटकाया जाए। क्योंकि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, यानी न्याय प्रक्रिया में जितनी देरी होगी मुलजिम को न्याय मिलने में उतनी ही देरी होगी। जमानत किन कारणों से नहीं मिल सकती? आपको बता दें कि इसके 3 मुख्य पहलू होते हैं जिस पर अदालत को गौर करना होता है। पहली, मुलजिम स्थायी निवासी ना हो और उसके भागने का भय हो।
दूसरी, मुलजिम बाहर निकले तो सबूतों से टेम्परिंग ना कर सके। तीसरी, गिरफ्तार मुलजिम अपराधी प्रवृत्ति का हो जिसके बाहर आने से कोई न्यूसेंस क्रिएट होने का खतरा हो। आर्यन का मामला इन तीनों श्रेणी में नहीं आता। सवाल ये उठता है, तो क्या अब आर्यन खान की जमानत हो जाएगी? जवाब, कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद यदि जज ने 30 अक्टूबर तक फैसला आर्यन के पक्ष में सुनाते हुए जमानत दे दी तो हो सकता है आर्यन सलाखों से बाहर आ जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो शनिवार रविवार कोर्ट बंद, उसके बाद दीपावली और फिर 14 दिन तक का कोर्ट का वेकेशन। यानी इस हिसाब से आर्यन की बेल प्ली मंजूर होने के बाद भी उन्हें 15 तक सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है। अब आइए इसके राजनीतिक पहलू पर भी थोड़ा गौर कर लेते हैं। आर्यन खान केस में राजनीतिक पहलू से इनकार कतई नहीं किया जा सकता। जिस तरह से एनसीपी के विधायक और महाराष्ट्र सरकार के कद्दावर मंत्री नवाब मलिक पहले दिन से इस पूरे केस में समीर वानखेड़े की सबूतों के साथ बखिया उधेड़ने में लगे हैं, हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीति का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। आपको बता दें कि एनसीबी सीधे केंद्र सरकार के अधीन आती है। भाजपा के हाथ से जिस तरह से महाराष्ट्र की सत्ता फिसली है, तब से लेकर भाजपा महाराष्ट्र की शिवसेना गठबंधन सरकार को पैरालाइज करने के कई प्रयास कर चुकी है। एनसीबी का पंच नंबर एक यानी मनीष भंसाली भाजपा का प्रमुख कार्यकर्ता है। अरुण गोसावी के तार भी भाजपा से जुड़े हुए हैं। शाहरुख खान की शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे से अच्छे संबंध रहे थे। उनके संबंध महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से भी बेहद करीबी माने जाते हैं। यही कारण है कि उनके पक्ष में इस बार शिवसेना भी उतर आई है। इन सभी पहलुओं पर यदि हम गौर करें तो हम ये कह सकते हैं कि आर्यन खान को ड्रग्स केस में फंसा कर एक तरह से एनसीबी या यूं कह ले कि भाजपा ने भी फूस में आग लगाने का काम किया है। इन सभी पहलुओं पर यदि हम गौर करें तो हम कह सकते हैं कि आर्यन खान को ड्रग्स केस में फंसा कर एक तरह से एनसीबी या यूं कह लें कि भाजपा ने भी फूस में आग लगाने का काम किया है। हमारी ये समीक्षा आपको कैसी लगी, इसको बताने के लिए आपको बस इतनी मेहनत और करनी है कि बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगी एक नई समीक्षा के साथ। जय हिंद। इन सभी पहलुओं पर यदि हम गौर करें तो हम कह सकते हैं कि आर्यन खान को ड्रग्स केस में फंसा कर एक तरह से एनसीबी या यूं कह लें कि भाजपा ने भी फूस में आग लगाने का काम किया है। हमारी ये समीक्षा आपको कैसी लगी, इसको बताने के लिए आपको बस इतनी मेहनत और करनी है कि बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगी एक नई समीक्षा के साथ। जय हिंद।